हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल मटन कोरमे की रेसिपी। तो आज का ये कोरमा जितना ज़्यादा आपको देखने में पसंद आएगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको ये खाने में लगेगा। तो फिर आइए बिना देर करे इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसे कुकर में बनाऊंगी क्योंकि जो मटन है उसे गलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आप इसे वैसे खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, पतीले वगैरह में, लेकिन मैं कुकर में बनाऊंगी जिससे कि ये फटाफट से बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए दो मीडियम साइज की मैंने प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है और ऑयल गरम करके इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे पहले। तो देखिए बस इतना ही कलर हम लेकर आएंगे इसका, लाइट ब्राउन कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेकर आएंगे कोरमे में, नहीं तो फिर उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, जला जला सा आती है उसमें खुशबू। तो थोड़ा सा लाइट ब्राउन ही प्याज आप निकालें इसमें। तो देखिए अब जो ऑयल बचा हुआ है इसी में हम अब थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें चार हमने हरी इलायची ले ली है, चार पाँच ही लौंग ली है, एक बड़ी इलायची और एक दो टुकड़ा हमने जावित्री का लिया है, दो हमें तेजपात के पत्ते लिए हैं। तो बस अभी थोड़े से खड़े मसाले इसमें हम डाल के थोड़े से क्रैकल कर लेंगे। तो अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ के जी मटन लिया है और ये साफ पोटियों का लिया है, आप इसमें हड्डी वाला भी ले सकते हैं, जैसा भी खाना पसंद करते हैं आप उस तरीके से आप इसमें लीजिएगा और बनाइएगा इसे। और अब एक से दो मिनट तक हमने इसको भी फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें थोड़े से पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए पाउडर मसालों में आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो छोटे चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम। और अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच भर के दही ऐड करूंगी। तो ये मतलब बिना फेटे ही मैंने डाला है, फेट के डालने की इसमें कोई खास जरूरत नहीं है। तो एक बड़ा चम्मच गाढ़ा दही हमने इसमें ऐड करना है और अच्छे से इसे भी हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड करके ढक्कन को ढक देंगे और करीब दो सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पे और पाँच मिनट तक हम इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो जब तक ये कुकर में विसल आ रही है हम इसका खुशबू वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। एक छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है, 10-12 हमने यहाँ पे काली मिर्च ली है, 6-7 हमने लौंग ले ली है, दो टुकड़े दालचीनी के, चार छोटी इलायची, दो बड़ी इलायची, एक टुकड़ा जायफल का और थोड़ी सी जावित्री ली है। और इसको हम अब ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। और इधर देखिए हमने 10-12 बादाम और काजू है इसका भी पाउडर बना के तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया है हमारा खुशबू वाला मसाला तैयार, इसको हमने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है अब। तो देखिए 5 मिनट के बाद में हमने ढक्कन हटा दिया है और हमने चेक भी कर लिया है, गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से अपने कुकर का टाइमिंग देख सकते हैं कि मतलब कितनी विसल में गोश्त गलता है, तो उसी हिसाब से आप चेक करिएगा। और अब हम गोश्त को ना अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे करीब 5 से 4 मिनट के लिए। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा हमने जलाना है इसमें और ऑयल को अच्छे से रिलीज करना है। और इधर देखिए ऑयल सारा सेपरेट हो गया है, ऊपर की तरफ आ गया है। तो अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे जो कि हमने बना के तैयार किया हुआ है अपने फ्राई की हुई प्याज को, ये हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना खुशबूदार कोरमे का मसाला जो कि हमने खुद ही बना के तैयार किया है। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे मसाला तो आपके कोरमे में बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्कुल देगी कोरमे की खुशबू आएगी और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के इसमें ऐड करिए। और अगर आप मार्केट वाला कोरमा मसाला इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बनाया हुआ काजू और बादाम का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब है ना मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नमक ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नमक का ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में ही डालना है या बीच में डालना है या लास्ट में, ठीक है। जब भी आपको याद आ जाए नमक का आप इसे तभी इसमें ऐड कर सकते हैं कोरमे में। तो बस अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। तो ग्रेवी अगर आप इसमें और बढ़ाना चाहते हैं तो आधा गिलास गर्म पानी ऐड करके आप इसमें ग्रेवी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ढक दूंगी और 5 मिनट के बाद में हम इसे सर्व कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए ये ईद स्पेशल कोरमा बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, तो आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाइएगा। आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे इसकी ग्रेवी बनी है, तो जब भी आप इसे बनाएंगे तो सच में आपकी तारीफ ही होगी। तो इस तरीके से एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि सारी नई रेसिपी नए ब्लॉग आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय अल्लाह।